पायलट आउट ऑफ प्लेन। तो गाइज आप लोगों ने मूवी के स्टंट में किसी न किसी को प्लेन के छत पर सेल्फी लेते हुए देखा होगा, या फिर किसी पायलट को खिड़की के बाहर इस तरह से सेल्फी लेते हुए देखा होगा, जो कि मूवी या फिर एडिटिंग पर ही पॉसिबल होता है। लेकिन गाइज आप लोगों को बता दें कि ऐसा रियल में एक बार हो चुका है। यह पायलट कोई सेल्फी लेने के लिए प्लेन के बाहर नहीं निकला था, बल्कि एक हादसे की वजह से यह इस तरह से प्लेन के बाहर लटक गया था। 1999 में यूके से स्पेन जाने के लिए फ्लाइट नंबर 5390 ने उड़ान भरी। तीन ब्लेम कास्टर जो कि इस प्लेन के पायलट थे, जिन्हें 1100 घंटे से भी ज्यादा प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था, लेकिन इस फ्लाइट में ऐसा हुआ जिसे इतने एक्सपीरियंस पायलट ने भी नहीं देखा था। प्लेन जब 17000 फीट की ऊंचाई में पहुंचा, तो पायलट टीन ब्लेन कास्टर रिलैक्स होने के लिए अपनी सीट बेल्ट खोली। लेकिन गाइस सीट बेल्ट खोलते ही अचानक से विंड डीकंप्रेशन की वजह से पायलट के सामने वाले प्लेन का विंड स्प्लिटिंग पैनल ही उड़ गया, और हवा के तूफानी लहर की वजह से पायलट भी प्लेन के बाहर उड़ जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती की वजह से पायलट के पैर उनकी सीट के फ्लाइट कंट्रोल पैनल के बीच फंस गए, जिससे वो नीचे गिरने की वजह प्लेन के विंड स्पीड पर ही अटक गए। पायलट का आधा शरीर 17000 फीट की ऊंचाई पर, आधा शरीर अंदर और आधा शरीर बाहर था। बाकी प्लेन के अंदर बैठे को पायलट ने उसके पैर को पकड़ लिया, और जब प्लेन के पीछे बैठे सारे पैसेंजर को ये बात का पता लगता है, तो सारे क्रू मेंबर दौड़कर आते हैं और दोनों हाथों से कसकर उसके पैर को पकड़ लेते हैं, और तुरंत ही को पायलट ने पास के एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया। यहां पर ना सिर्फ पायलट ही कई हजार फीट ऊंचाई पर ठंडी और बर्फीली हवा पर लटक रहे थे, बल्कि सारे पैसेंजर के जान दांव पर लगे हुए थे। लेकिन गाइस तुरंत ही कुछ देर बाद को पायलट के द्वारा नजदीकी एयरपोर्ट पर प्लेन को सेफली लैंडिंग करवा लेते हैं। लेकिन गाइस यहां पर एक मिरेकल बात यह होती है कि इस घटना में टीम ब्लेम कास्टर और एक क्रू मेंबर के अलावा कोई भी घायल नहीं होते हैं। टीम ब्लेम कास्टर को कुछ फ्रैक्चर्स आए जो कि हादसे के कुछ महीने बाद बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो गाइस जरा सोचिए कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन में पायलट को कितना दिमाग चलाना पड़ता होगा, सारे कैलकुलेशन करते हुए एक एक चीज को ध्यान देना पड़ता होगा, क्योंकि ऐसे हादसों में लैंडिंग गलत हो गई तो पूरा का पूरा प्लेन क्रैश हो जाएगा। पायलट को इस तरह के सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए ना जाने कितने स्टडी करनी पड़ती होगी और ना जाने कितने टेस्ट पास करने पड़ते होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।